हुआ नए साल का स्वागत। दिल्ली सहित एनसीआर में जीरो विजिबिलिटी, 56 ट्रेनें और 20 उड़ानें लेट, प्रदूषण बढ़ने की आशंका। पुलवामा के सीआरपीएफ कैंप पर पठानकोट जैसा आतंकी हमला, 2 आतंकी ढेर, 5 जवान शहीद। गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, बेकार नहीं जाएगा जवानों का बलिदान। मोदी कैबिनेट में मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का विवादास्पद बयान, कहा मूंछ और पूंछ में जितना अंतर उतना ही अंतर नरेंद्र मोदी और कांग्रेस नेता में। तीन तलाक के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाली इशरत जहां ने थामा कमल का दामन, बीजेपी ने किया स्वागत। शहला ताहिर की बढ़ी मुश्किलें, निकाय चुनावों में जीत के बाद निकली रैली में पाकिस्तान जिंदाबाद नारे लगाने का आरोप, चल सकता है देशद्रोह का मुकदमा। असम में राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर का पहला ड्राफ्ट जारी, 1.9 करोड़ लोगों को ही माना गया भारत का नागरिक। किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए भारी सुरक्षा बल तैनात। नए साल के संदेश में उत्तर कोरिया के सिरफिरे तानाशाह किम जोंग की धमकी, कहा मेरी टेबल पर ही लगा है परमाणु मिसाइल का बटन। ২০১৮ की शुरुआत में ही व्हाट्सएप हुआ डाउन, एक ही समय में ढेरों संदेश भेजने की वजह से कुछ वक्त के लिए व्हाट्सएप ने काम करना किया बंद। देश भर में नए साल की धूम, लोगों ने किया नए साल का स्वागत। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने देशवासियों को दी ढेरों शुभकामनाएं। और साउथ अफ्रीका पहुंची टीम इंडिया ने शुरू की प्रैक्टिस, कप्तान कोहली ने लगाई दहाड़, बोले साल 2013 जैसी नहीं है टीम, बस 5 जनवरी आने दो।